हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग चैंप। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न हम बनाएंगे। देखिए, ये पैटर्न जो है सिंगल कलर का है, बहुत सुंदर है। किसी भी स्वेटर में आप इसको बना सकते हैं। 8 फंदों पर ये पैटर्न हमारा डला है और 7 रोज का ये पैटर्न है। 7 रोज में ये पैटर्न कंप्लीट होता है और लास्ट सिलाई जब हम बनाते हैं तो सेकेंड पैटर्न स्टार्ट हो जाता है इसका। 7th रो में सेकेंड पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये वाला पैटर्न हमें बनाने के लिए फंदे चाहिए। 8 के मल्टीपल में हमें 1 स्टिच इसमें ऐड करना है। ये देखिए, और इसको हम ऐसे करके देखेंगे तो ये और खूबसूरत लगता है। इसको आप ऐसे स्टिच भी कर सकते हैं और ना भी करें तो भी ये अच्छा लगेगा, ये देखिएगा। और इधर से रॉन्ग साइड से इसका लुक इतना सुंदर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सीधा इधर से ही है। तो दोनों तरफ से ये बहुत सुंदर लगता है। बनाकर देखते हैं दोस्तों। ये मैंने 25 फंदे इसमें डाले हैं। हम फर्स्ट सिलाई यहीं से डालेंगे। इसमें मैंने कोई बेसिक सिलाई नहीं डाली है और आप बॉर्डर बना लीजिएगा अपनी पसंद का। तो ये फर्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर धागा आगे करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। ये हमारे 8 फंदे हो गए, 5 ये सीधे और 3 ये। फिर यही हम रिपीट करेंगे, 5 फंदे सीधे, 3, 4 और ये 5। धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर लास्ट में हमें 1 फंदा उल्टा बुनना है और एक स्टिच है हमारा, उसे हम सीधा बुनेंगे। ये फर्स्ट सिलाई हमारी, रॉन्ग साइड से सेकंड सिलाई बुनेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। जो उधर से हमने सीधा बुना वो इधर उल्टा, जो उधर से उल्टा बुना वो इधर सीधा। तो ये फंदा सीधा हुआ हमारा। फिर 5 फंदे उल्टे, जो उधर से हमने सीधे बुने थे, 4 और ये 5। फिर एक फंदा इधर से सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। और फिर 5 फंदे हमारे उल्टे, 3, 4, 5। फिर एक सीधा और ये स्टिच है, इसको इधर से उल्टा बनाएंगे। ये हमारी सेकंड रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट हुई। थर्ड रो बुनेंगे राइट साइड से, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही आएगी। ये उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, इसमें कुछ नहीं करना। जो जैसा दिख रहा है उसको हम वैसा बुनेंगे। 5 फंदे सीधे, 5 फंदे सीधे, देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर 5 फंदे सीधे। ऐसे हमें ये कंप्लीट करनी है। मैं इसको कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे थर्ड रो कंप्लीट हुई। फोर्थ रो भी बिल्कुल सिंपल है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनेंगे। ये भी मैं बना देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 4 रोज इसकी कंप्लीट हो चुकी है। 5th रो पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पैटर्न को ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारी 5th रो है राइट साइड से। ये उल्टा बुना, ये 5 फंदे हैं हमारे।
हमें एक फंदा इधर घटाना है और एक फंदा इसके लास्ट में घटाना है। ये हम पलटकर फंदा इन दो का एक बनाएंगे। ये हमने एक बनाया, बीच वाला फंदा सीधा बुना और ये लास्ट के दो फंदे इनका एक बनाएंगे ऐसे। ये तीन रह गए अब हमारे फंदे, ये उल्टा बुनेंगे, ये सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा, फिर ये रिपीट करेंगे जो यहाँ पर हमने किया इन पांच फंदों के साथ। ये वाला फंदा पलटकर दो का एक बनाएंगे, ये बनाया, एक सीधा बुनेंगे, फिर लास्ट के दो फंदे इनका भी हम एक बनाएंगे। ये पांच फंदों के तीन रह गए, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा, ये सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, और फिर ये पांच फंदे हैं। फिर पांच फंदों में से हमें दो फंदों का एक बनाना है, ये सीधा बुना, फिर दो फंदों का एक बनाएंगे। ये बनाया, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये हमारी फिफ्थ रो देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए सिक्स्थ रो इधर से बुनेंगे। अब ये पांच फंदों में से तीन फंदे रह गए, ये उल्टे बुनेंगे, बाकी जो सीधा चमक रहा है सीधा बुनेंगे, जो उल्टा पर चमक रहा है उसको उल्टा बुनेंगे। ये रो भी मैं बना देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम सेवंथ रो बनाएंगे राइट साइड से, इसको ध्यान से देखना। धागा पीछे, अब ये तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों का एक बनाना है। जैसे वी गले में फंदे तीन का एक बनाते हैं वैसे हम इनका बनाएंगे। बीच वाला फंदा ऊपर रखेंगे, ये बीच वाला फंदा ऊपर रखेंगे सबसे आगे, और इन तीनों का एक बना देंगे। ये हमने एक बना दिया, अब धागा अपनी तरफ करके ये फंदा उल्टा बुनेंगे, अब धागा पीछे करेंगे। ये वाला फंदा जो हमारा बीच में ये सीधा चल रहा है, इस पर अब हम पांच फंदे बनाएंगे। एक, ऐसे धागा घुमाएंगे, दो, तीन, फिर धागा घुमाएंगे, चार, और ये पांच। ये देखिए पांच फंदे हमने बनाए। अब देखिए दोस्तों, ये सेवंथ रो है हमारी इस वाले पैटर्न की, ये पैटर्न की लास्ट रो है, और सेकंड वाला पैटर्न हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो सेकंड वाले पैटर्न की ये फर्स्ट रो मानी जाती है। तो ये जो सेवंथ रो है, एक पैटर्न की ये लास्ट होती है और अगले वाले पैटर्न की फर्स्ट होती है। फिर इन तीन फंदों का एक बनाएंगे। ये हमने इनका एक बनाया, और फिर ये उल्टा फंदा बुनेंगे, और फिर इस फंदे पर पांच फंदे बनाएंगे। एक, ऐसे धागा घुमाया, दो, ये तीन, चार, पांच, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा, और फिर तीन का एक बनाएंगे। थोड़े टाइट बुने जाते हैं ये फंदे जब हम तीन का एक बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेवंथ रो हमारी कंप्लीट हुई, ये वाला पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ, और सेकंड पैटर्न की शुरुआत यहां से हो चुकी है। अब हमें सेकंड पैटर्न की सेकंड रो इधर से बनानी है। फर्स्ट हमारी उधर से डल चुकी है और फर्स्ट पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो हमारे सीधे फंदे चमक रहे हैं, बस यही हमें सीधे बुनने हैं हर बार, और बाकी जो भी फंदे हमारे आएंगे इनके बीच में वो उल्टे आएंगे। ये पांच फंदे जो हम एक का एक के पांच बनाते हैं, ये भी उल्टे, बस ये ध्यान रखना है आपको। ये दो फंदे सीधे चमक रहे हैं, बस ये सीधे आते हैं रॉन्ग साइड पे, बाकी सब फंदे उल्टे आते हैं। देखिए इनके बीच में एक फंदा उल्टा है, फिर ये सीधा, फिर पांच फंदे उल्टे, फिर ये सीधा। मैं बना देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पैटर्न की हमारी थर्ड रो अब हम बुनेंगे।
थर्ड रो में कुछ नहीं करना, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, ये फंदा उल्टा और ये फंदा सीधा, धागा आगे, फिर ये फंदा उल्टा और फिर धागा पीछे, फिर ये पांच फंदे सीधे, जैसे हमने पहले थर्ड रो बनाई थी बिल्कुल वैसे ही। और फोर्थ रो भी बहुत सिंपल है, उधर से सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, और ये भी सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, ये दोनों मैं रो बना देती हूँ, इधर से थर्ड रो, उधर से फोर्थ रो, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा है, उधर भी और इधर भी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड वाले पैटर्न की फोर रोज कंप्लीट की है। फिफ्थ रो में हमें ये घटाने शुरू करने होते हैं, तो ये फिफ्थ रो है हमारी, यहाँ से हम फंदे घटाएंगे और फिर सेवंथ रो में ये कंप्लीट हो जाता है। ये सीधा बुनेंगे, फिर ये उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके ये फंदा पलट कर दो फंदों का एक बनाएंगे। एक बार मैं बता चुकी हूँ आपको, आ गया होगा। फिर इन दो का एक बनाएंगे और फिर धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, फिर इन दो फंदों का एक बनाएंगे, ये सीधा, और फिर दो फंदों का एक बनाएंगे, फिर ये उल्टा, ये सीधा, और ये उल्टा, ये सीधा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फिफ्थ रो भी इसकी कंप्लीट कर ली है। सिक्स्थ रो इधर से बनाएंगे हम, रोंग साइड से, जो जैसा चमक रहा है वैसा ही बुनेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, ये मैं बना रही हूं। अब हम ये देखिए, मैंने उधर से सिक्स्थ रो बना दी है, सेवंथ रो बना रहे हैं। हमारे पैटर्न के लास्ट रो होती है ये सेवंथ रो, और अगले पैटर्न की स्टार्टिंग होती है इससे। ये उल्टा फंदा उल्टा ही आएगा इधर, जो फंदा हमने एक बार इधर उल्टा बना दिया वो हर बार उल्टा ही आएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे करके चल रहा है, इसके बीच में फंदे घटते बढ़ते रहते हैं, फंदे घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो उल्टा फंदा है वो उल्टा ही आएगा। ये देखिए, अब ये हमारा सीधा फंदा चल रहा है, इस पर हम पांच फंदे बनाएंगे। सेवंथ रो में पांच फंदे बनाने होते हैं सीधे फंदे पर, ये तीन हुए, चार और ये पांच। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, ये तीन फंदे बचे हैं हमारे, इनका एक बनाएंगे, बीच वाला फंदा ऊपर रखेंगे। ये पैटर्न हमारा फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये ओवर हुआ, ये स्टार्ट हुआ। ये हमने उल्टा बुना और इस वाले फंदे पर पांच फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा, फिर इन तीन फंदों का एक, ये हमने इनका एक बनाया। धागा अपनी तरफ, ये उल्टा और इस वाले फंदे पर पांच फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे और ये फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दो पैटर्न आपको बनाकर दिखाए, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही करके आप इस पैटर्न को रिपीट करते जाइएगा तो ऐसा लुक इसका आएगा। और किसी भी स्वेटर में आप इसको बनाइए, किसी भी कलर में आप बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।